हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेमेस्टर टू के लिए के फाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। मैंने कोर कोर्स थ्री का डिस्कस कर लिया है, कोर कोर्स फोर का करेंगे और सेपर का। तो इसमें दो तरह का होगा, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मैं लिखा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। देखिए, अगेन मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे कि अगर आप, चूंकि पूरा सिलेबस आपको क्लास में हमने करवाया है, तो आप पूरी तैयारी करें और लास्ट मोमेंट पे इतना क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लें। जो बिल्कुल नहीं किए हैं वो इतने क्वेश्चंस पे रिलाई कर सकते हैं, लेकिन आप तब खतरे में होंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है, 100% गारंटी नहीं होता है कि आपको टैली कर जाए। हो सकता है मैक्सिमम, हमने कोशिश की है कि वो आए पैटर्न पे, बट कई बार डिपेंड करता है कि किसने सेट किया, कैसे सेट किया, तो डिफर कर सकता है। इसलिए पूरा स्टडी करें, गेस क्वेश्चन पर डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको दो तरह के पार्ट कर रहा हूँ, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लेकिन आपको टॉपिक देखना है, टॉपिक ऐसे कवर करना है कि अगर लॉन्ग वाले क्वेश्चन को शॉर्ट में कट करके दे तो वहाँ भी बना सकते हैं, शॉर्ट वाले में कुछ ऐड करके लॉन्ग बना के दे तब भी आप सॉल्व करने में सक्षम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन वाइब्रेशन। ये डैम्प्ड, देखिए तीन वाइब्रेशन आपके कोर्स में है, एक फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन। लास्ट क्लास टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें फोर्स वाइब्रेशन आया था, इसके प्रॉब्लम डैम्प्ड वाइब्रेशन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन में आप डेरिवेशन करते हैं, उसका तीन तरह का डैम्पिंग होता है, हैवी डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, ये तीनों, और एक और डैम्पिंग होगा। तो वो तीनों डैम्पिंग का जो केस डिस्कस करना है आपको, वो एक बेसिकली वो क्वेश्चन लिखा भी रहेगा कि तीनों डैम्पिंग डिस्कस करें, उसमें ग्राफ भी है, मतलब जो भी कुछ है वो थ्योरी पूरी करनी है। और तीनों वाइब्रेशन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फोर्स आया, हो सकता है रिपीट भी कर दे, बट प्रॉब्ली चूंकि पिछले साल आया, बीच में गैप हुआ है, तो मान के चलते हैं कि रिपीट नहीं करेगा। तो ये होगा, अगर आप बहुत सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो फोर्स भी कर लीजिएगा, फ्री तीनों वाइब्रेशन कर लीजिएगा, तीन में तो एक आना ही आना है। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड आल्सो एक्सप्लेन द लैपलेस करेक्शन। ये आपका वेव वाले पोर्शन में कर रहे हैं, वेव वाले पोर्शन में न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड मैंने बताया था, लैपलेस करेक्शन दोनों कर लेंगे। इस क्वेश्चन या तो फुल में आएगा, या तो फिर दोनों को दो पार्ट करके, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी का क्वेश्चन जो है वो आपका नोट्स में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, फुल क्वेश्चन में आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या पार्ट उसमें ऐड किया गया है। तो अब ग्रुप वेलोसिटी और व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ये हो गया एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। और ये मैंने लास्ट में पार्ट रखा, डिस्कस इट्स डिफरेंट एक्सप्रेशन। ये इसका मतलब ये है कि इसमें आप डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम वाला जो डिस्कशन था वो इंक्लूड हो सकता है, फिर आपका डिफरेंट एक्सप्रेशन में वेवलेंथ के टर्म में या फ्रिक्वेंसी के टर्म में एक्सप्रेशन दोनों का रिलेशन का, या फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में जो रिलेशन निकालते हैं, दूसरे रिलेशन निकाला था, सब के सब आपको कर लेना, ताकि कोई भी इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, शॉर्ट नहीं, फुल नहीं आया, शॉर्ट आएगा, नोट्स आएगा, तो आता ही है हमेशा बदल बदल के। लेकिन अगर वो कवर कर लेते हैं कंप्लीट टॉपिक, तो आपको कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का आएगा तो कर सकते हैं। उसके बाद से आ गया न्यूटन्स रिंग में, इंटरफेरेंस में, वो वेव का पोर्शन था। यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में। ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में क्या है, न्यूटन्स रिंग कीजिए, तो न्यूटन्स रिंग का पूरा डेरिवेशन और उसका एप्लीकेशन। अगेन मैं एप्लीकेशन को पर्टिकुलर नहीं लिख रहा, कौन सा एप्लीकेशन आएगा, वेवलेंथ निकालना या फिर कुछ डिफरेंट, दो तीन तीन शायद इसके एप्लीकेशन से कोई एक आ सकता है, इसलिए मैंने जनरल लिखा है कि न्यूटन्स रिंग्स का क्या होता है, उसका डिटेल थ्योरी कर लीजिए। उसका जो हम आर निकालते हैं, न्यूटन्स रिंग का रेडियस निकालते हैं, उसका एक्सप्रेशन, या डायमीटर निकालते हैं उसका एक्सप्रेशन, फिर एप्लीकेशन में वेवलेंथ निकालते हैं, और दो तीन तीन एप्लीकेशन है, तीनों कर लीजिए, तीनों से कोई एक आएगा। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस में आपको दो चीज़ें हैं, न्यूटन्स रिंग और थिन फिल्म। तो मैंने थिन फिल्म, चूंकि लास्ट टाइम आया था, थिन फिल्म को नहीं रखा, उसको नोट्स में रखा है मैंने, या वो शॉर्ट क्वेश्चन या नोट्स के रूप में रखा है। तो थिन फिल्म और न्यूटन्स रिंग में कोई कोई आता ही है, तो आप न्यूटन्स रिंग अगर पूरा कर रहे हैं तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, और न्यूटन्स रिंग पूरा करेंगे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारा बनेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता ही रहा है। अब आगे मैकलसन, मैंने इंटरफेरोमीटर पे, इंटरफेरोमीटर में आपको दो इंटरफेरोमीटर पढ़ना है, फैब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर और मैकलसन इंटरफेरोमीटर। तो लास्ट 2 ईयर जब एग्जाम हुआ है तब फैब्री पीरियड को पूछा है दोनों बार, रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैंने मैकलसन को यहाँ रखा है। हालांकि फैब्री पीरियड को मैंने शॉर्ट में रखा है, आप उसे भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दो तैयार है, दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैकलसन अगर करते हैं, मैकलसन में आप फ्रिंज कैसे बंता है, उसका डायग्राम क्या है, मैकलसन इंटरफेरोमीटर कंस्ट्रक्शन क्या होता है,
फिर उसको यूज़ करके जो उसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सारे कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन दो में से कोई एक पूछ ले, तीन में से कोई एक पूछ ले, तीनों क्या हुआ जो पूछेगा वो, उसके पक्के बनाने में तो सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्रिंज फॉर्मेशन इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर विथ प्रॉपर डायग्राम, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोर्स सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स लाइट दोनों ठीक था यूजिंग इट, आल्सो ऑब्टेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यूजिंग इट, मतलब माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो एक्सप्रेशन आएगा उससे आपको जो एप्लीकेशन वाले पार्ट में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना या वेवलेंथ निकालना वो आप कर लेंगे। अब आ जाइए डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में जो रिड्यूस सिलेबस से मान के चल रहे हैं कि आपका एग्जाम रिड्यूस सिलेबस में कहा गया था, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से होगा, तो उसमें फ्रानोपर डिफ्रैक्शन को हटा दिया गया, फ्रेनेस डिफ्रैक्शन है इसलिए मैंने फ्रानोपर डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं रखा है। तो आप इसमें फ्रेनेस डिफ्रैक्शन में है हाफ पीरियड जोन्स, मैंने बताया था हाफ पीरियड जोन्स वो है वो आपको कर लेना है, हाफ पीरियड जोन्स और जोन पीरियड दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मैंने यहाँ लिखा, दो में से कोई एक आएगा या दोनों ही आ सकते हैं। तो व्हाट आर फ्रेनेस हाफ पीरियड जोन्स, सो दैट द एम्पलीट्यूड ड्यू टू ए कंप्लीट वेव फ्रंट एट अ पॉइंट इज जस्ट हाफ दैट ड्यू टू द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन एक्टिंग अराउंड, ये मैंने ड्राइव करके दिखाया आपको, एंड एक्सप्लेन रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये भी मैंने आपको उस थ्योरी में बताया। तो ये आप कंप्लीट क्वेश्चन आपका हाफ पीरियड जोन से आता है। सिमिलरली इसी के पेपर से आपका व्हाट इज जोन प्लेट, शो दैट इट हैज मल्टीपल फंक्शन, ये भी फुल क्वेश्चन है। तो आप देखिए टॉपिक मैंने क्या बताया, एक बार रिवाइज समराइज करता हूँ, वेव वाले पोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बट मैंने बस वाइब्रेशन में लिया, डैम्प का लिया है और न्यूटन्स फॉर्मूला और लैप्लास करेक्शन लिया है, इसके अलावा स्ट्रेस स्ट्रिंग का भी आता है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का भी एक एक्सप्रेशन है, बट सारे क्वेश्चंस को तो नहीं लिख सकते। तो उसके बाद इंटरफेरेंस में न्यूटन्स रिंग और थिन फिल्म में न्यूटन्स रिंग को लिया, थिन फिल्म को शॉर्ट में रखा है, फिर आपका इंटरफेरोमीटर में माइकलसन इंटरफेरोमीटर को रखा है और फैब्रिक पीरियड को शॉर्ट में रखा है, फिर डिफ्रैक्शन में आपका फ्रेनेस डिफ्रैक्शन में हाफ पीरियड जोन और जोन पीरियड दोनों को रखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको क्या है, तो जो मैंने लॉन्ग में छूट के बच गया शॉर्ट में रखा है इसको भी ऐसे पढ़िए, अगर इसका लॉन्ग भी आ जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था। तो ये क्वेश्चन है फोर्स ऑसिलेशन से, फोर्स ऑसिलेशन का फुल क्वेश्चन आपका बनता है, अगर आपने इसे किया है शॉर्ट में भी आया लॉन्ग में आया कर सकते हैं। ठीक, सो व्हाट आर फोर्स ऑसिलेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस एंड इक्वल इंक्लिनेशन, ये मैंने आपको बताया है, सेंट्रल स्पॉट ऑफ न्यूटन्स रिंग इज डार्क एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट, ये भी बताया है, इंटरनल में पूछा भी था, कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फ्रेनेस क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनोपर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सप्लेन रिले क्राइटेरियन फॉर द लिमिट ऑफ रिजन, ये आपके सिलेबस में रिड्यूस सिलेबस में नहीं है बट मैंने स्टेल दिया जो कि पिछले बार देख चुका हूँ, सेमेस्टर फोर में भी रिड्यूस सिलेबस कहा गया बट क्वेश्चन आ जाते हैं पुराने वाले सिलेबस, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है और मैंने नहीं रखा है। और आपका फैब्रिक पीरियड इंटरफेरोमीटर कर लीजिएगा, सेबाइंस फॉर्मूला पिछले बार आया है, दोनों बार आया है जब एग्जाम हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट में भी कर लीजिएगा, इंटरफेरेंस ड्यू टू डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड विजन एम्पलीट्यूड क्या हो डिफरेंस है दोनों में वो कर लेना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव कर लेना है। इतना कम से कम आप कर लेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है सॉल्व करने क्वेश्चन सॉल्व करने की बढ़ जाएगी। चलिए आज ये दो पेपर हो गए, अब हम जेनरिक वाला पेपर डिस्कस करेंगे।